विजिटर्स। हाँ बिलाल साहब, आप बताइए आप किस जगह पे इस वक्त हैं? जी इस वक्त मैं हारी पर्वत जो किला है उसके ऊपर यानी टॉप पे हूँ, और जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर नीचे जो हमारी अगर बाईं साइड में जो हमारा आप देख रहे हैं पूरा किला जो है नज़र आ रहा है, और नीचे एक मैदान भी है आप देख रहे हैं वहाँ लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसके बगल में सामने ही है बादमवारी जी जी और काफ़ी डर के चल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ऊपर है और जहाँ से हमें गिरने का भी खतरा है लाख, और कोशिश यहाँ जे आप नीचे देख रहे हैं हमारे और क्रिकेट क्लब के साथ ही वो वहाँ पर बादमवारी है, और यहाँ पर देखिए कितनी गंजान सी आबादी दिख रही है हमें, और झील डल का नज़ारा भी आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत तो बहुत खूबसूरत है। जी जी तो यहाँ पर ये किला जो है बहुत ही, क्योंकि मुझे भी आज पहली बार मौका मिला है यहाँ आने का तो बहुत इंजॉय किया है हमने। यहाँ पर पीछे साइड में अगर देखेंगे नाहवटा, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुत सारा शंकराचार्य भी नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है ये जिसे शंकरा तख्ते हाँ सुलेमान हाँ भी भी कह कहते सकते थे। हैं कहते हैं, तो हिस्ट्री में तख्त सुलेमान भी कहा जाता है एक्चुअली इसमें, तो जी ये जी उससे भी हमें लग रहा है ये किला जो है उससे ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो जैसे कि सुलेमान जो है पहाड़ है उससे भी मुझे लग रहा है ये ऊपर है, तो आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो मेरे साथ आज जो है मौका मिला है, मेरे बच्चे भी साथ ये हैं तो सिटी वो का जो वहाँ खेल रहे हैं। डाउनटाउन इलाका हाँ है यहाँ जी पे, जी जी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमारा जो लेक है तो उसको आप देख रहे हैं कितना एनकरेज हुआ है, तो यहाँ पर अब लेक नज़र ही नहीं आ रहा है कहीं, तो यहाँ पर भी आप देखें तो कितनी सी गंजान आबादी, यानी चारों ओर हम जब देख रहे हैं नज़र दौड़ा रहे हैं तो गंजान सी आबादी नज़र आई, और काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अभी नीचे जा रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं मेरे तो वो भी नीचे जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर कुछ दोस्त भी मिले उनका उनका साथ भी हुआ, तो जी 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 हाँ हाँ जी जी आप देख रहे हैं इस साइड में आप ये आराम सिटी से, का जो है जो मेन सिटी का इलाका, मेन इलाका हाँ जी है जी तो जिसे यहाँ लाल पर चौक वगैरह हाँ वो इस इलाका इस साइड में जो साइड है में, हाँ यहाँ इस नौवटा साइड भी में दिखाया पड़ता है। हमने, हाँ लाल चौक, और अगर ये देखें जहाँ पर सुलेमान है तो वहाँ से हमें नज़र आ रहा है यानी डल गेट का, यानी पूरे जो श्रीनगर सिटी का जो है नज़ारा वो नज़ारा हमें दिख रहा है, पूरा का पूरा नज़ारा दिख यहाँ रहा है। से छठी हाँ पातशाही का वो गुरुद्वारा भी जी है जी जी जहाँ जी सिख हाँ लोग जो है, जी सिख जी वो भी कम्युनिटी, जी 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 डॉक्टर साहब वो नज़र आ रहा है नीचे आप देख रहे हैं छठी सिंह सिंह हाँ हाँ जो छठी ये हाँ पातशाही पातशाही है ना, जी 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 तो ठीक है यहाँ से हम भी हमारे अगर आप यहाँ से भी दौड़ाएँ नज़र दौड़ाएँ वो पूरा यानी आप देखो निशा तक शालमार नेहरू पार्क वो भी इस साइड में हमें नज़र आ रहे हैं, तो डल का जो है पूरा का पूरा जो है डल वो नज़र आ यहाँ रहा से है इस साइड दिखाई में। दे रहा है हाँ जी जी तो बहुत अच्छी लोकेशन है, लोगों को चाहिए कि विजिट करें एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को, तो हाँ हाँ डॉक्टर साहब ये हरी पर्वत का वो, हाँ हाँ जी जी ये जी जी हरी पर्वत का टॉप है ये टॉप है हाँ जी ऊपर वाला हिस्सा है ये जी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है हमें क्योंकि इसके रोशनी जो की है वजह से, हाँ कैमरा के आगे कैमरा रोशनी हाँ वो भी है, धूप। लेकिन इसके जो है मुझे नहीं रहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आर्कियोलॉजिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया है तो उनको चाहिए कि इसकी और इसकी थोड़ा बहुत जो है रिनोवेशन की जाए, तो आके जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा आए यहाँ पर, और तो उनके हम लिए ये चाहते हैं अट्रैक्शन हाँ बन जाए अट्रैक्शन, जी जी और ये टॉप वाला जो अंदर भी दिखाएंगे तो कैबिन जैसा है, तो टॉप वाला यहाँ पर कितनी ठंडी हवा डॉक्टर साहब मजीद साहब बहुत कितनी बहुत ठंडी हवा यहाँ पर है, इसकी बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत अच्छा नज़ारा है, तो इंशाल्लाह मैं यही हाँ अगर आप नीचे की ओर जहाँ यहाँ पर जो छोटी छोटी विंडोज़ हैं तो यहाँ से भी कुछ दिखाएंगे आपको, तो थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए, तो इस तो डॉक्टर साहब ठीक है फिर हाँ तो दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।